इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पे काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसका एक प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहां पर आपको सारे वीडियोस एक ही जगह पे मिल जाएंगे, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो पिछले वीडियो में हम फैक्टर थ्योरम पे डिस्कस कर रहे थे, उसके रिलेटेड में हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व करा था। तो आज के इस वीडियो में भी हम एक एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, दिस वन इज द एग्जांपल एंड दिस वी गोना सॉल्व इन दिस वीडियो। तो इसका प्रोसेस क्या होता है वो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रोसेस कहीं पर भी डिफर नहीं होने वाली है, प्रोसेस वही रहेगा जो ऑलरेडी हम पिछले वीडियोज में करते आ रहे हैं। फर्स्टली वी विल राइट द गिवेन, क्या क्या है। सो दिस इज आवर पॉलिनोमियल। आफ्टर दैट किससे डिवाइड किया जा रहा है, x माइनस a से। तो इसको मैं एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लेट कर ले रहा हूं, दैट इज इन टर्म्स जी एक्स। ओके, जी एक्स इज इक्वल टू x माइनस a। तो इससे इसको डिवाइड किया जा रहा है, और यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a का वैल्यू निकालना है, और x माइनस a जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बोल रहा है। ओके, दिस डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ दिस डिविडेंड। ओके, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। तो फैक्टर होने का मतलब हो गया कि यदि तुम इसका रिमाइंडर निकालोगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो पहले मैं जीरो निकाल लेता हूं, जीरो ऑफ दिस डिवाइजर। ओके, तो वो कैसे हम निकालते हैं, बाय मेकिंग इट इक्वल टू जीरो। सो जी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इज आवर वैल्यू। ओके, तो एक्स का वैल्यू निकल गया। अब मैं यहां पर क्या अप्लाई करूंगा, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम यदि मैं अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए इन पॉलिनोमियल एफ एक्स रखूंगा। जैसे ही मैं एक्स इज इक्वल टू ए इन पॉलिनोमियल एफ एक्स रखूंगा तो एफ ए हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है एक्स माइनस ए क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो फैक्टर होने का मतलब हुआ कि उसका जो रिमाइंडर तुम निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो अब यहां पर हम निकालते हैं सबसे पहले इसका रिमाइंडर इन टर्म्स ऑफ a। तो x के जगह पे क्या रख दिया गया है, a। तो यहां पर यदि तुम a रखोगे तो ये सारे जो x जो हैं वो भी a के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्म होंगे तो क्या होगा, लेट्स सी। और वी कैन राइट x का पावर 5, इट मीन्स a का पावर 5 माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाई x का पावर क्यूब, इट मीन्स a का पावर क्यूब। ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए प्लस ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और a का पावर 5 माइनस ये क्या हो जाएगा, बेस सेम मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो पावर ऐड हो जाएगा a का पावर 5। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़े हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने रियल नंबर में पढ़े हैं व्हाइल स्टडिंग लॉ ऑफ इंडिसेज। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको स्क्रीन पे उसका प्लेलिस्ट दिख रहा होगा। तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उस प्लेलिस्ट पे जा करके विजिट करें और वो सारे वीडियोस को देखें और रियल नंबर के रिलेटेड में ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। कहीं पर भी डाउट हो तो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो या फिर मेरे को पर्सनली मेल भी कर सकते हो। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। तो चलो शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 2a प्लस ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 को मैं क्या करूँगा, इस साइड लेकर के आ जाऊँगा तो क्या होगा, 3a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 1। ओके, हैंस द वैल्यू ऑफ a इज 1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये पूरा प्रोसेस देख करके कहीं पर भी आपको डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में अप्लाई किया था वही प्रोसेस हम यहां पर भी अप्लाई कर रहे हैं। बस थोड़ा सा
कॉन्सेप्ट में फर्क हुआ है वो क्या है, पहले हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। बस रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम में भी ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम में सारे कुछ इंक्लूड आते हैं, मतलब रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है। तो जब रिमाइंडर जीरो हुआ तो वो समझ जाओ कि दैट डिवाइजर इज विल बी द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वही बेस्ड पे ये फैक्टर थ्योरम बनाई गई है, फैक्टर थ्योरम का वही कॉन्सेप्ट है, तो वही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। बाकी सारे प्रोसेस जो हैं वो वही हैं जो हम रिमाइंडर थ्योरम में अप्लाई कर रहे थे। आई होप आपका मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और मेरे हर एक वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट करें, जिससे कि आगे भी मैं आप सभी के लिए इस टाइप के वीडियोस लाता रहूँगा। सो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।